इंदौर निगम में टैक्स वसूली को लेकर विवाद की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि नगर निगम के कर्मचारी भवरकुआ थाना क्षेत्र के श्रीयंत्र नगर में टैक्स वसूली के लिए गए थे। इसी दौरान एक महिला से पूछताछ के दौरान उनका विवाद हो गया, जिसमें महिला ने कर्मचारियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र के श्रीयंत्र नगर सेक्टर सी में उस समय विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जब नगर निगम कर्मचारी टैक्स वसूली करने के लिए एक मकान पर पहुंचे। जब कर्मचारियों ने मकान मालिक से टैक्स के संबंध में पूछताछ की तो घर पर मौजूद महिला ने कहा कि मुझे टैक्स के संबंध में जानकारी नहीं और मेरे पति आकर इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इस बात को लेकर महिला और कर्मचारियों के बीच तूतू मैमे हो गई और मामला थाने तक पहुँच गया। कर्मचारियों का आरोप है कि श्रीयंत्र नगर में रहने वाली सोनिया मिश्रा और उनके पति ने कर्मचारियों के साथ हाथापाई की, जबकि इस संबंध में जब सोनिया मिश्रा से पूछताछ की गई तो उनका कहना था कि वे घर पर अकेली मौजूद थी। नगर निगम कर्मचारियों ने ना तो अपना परिचय दिया और ना ही कोई नोटिस टैक्स को लेकर दिया। जब उन्होंने कर्मचारियों से इस संबंध में जानकारी हासिल करना चाही तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। भैया, आज सुबह मैं मेरे घर पे अकेली थी, मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और मैं बाहर बैठ के पढ़ रही थी, अपने मोबाइल में कोई लेसन ले रही थी। तो ये लोग बाहर आए, चार लोग थे, इन लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था और कोई आइडेंटिटी भी गले में नहीं डाल रखी थी। अचानक आके ही बोलने लगे, इनमें से एक ने चश्मा लगा रखा था और ड्रेस भी बहुत अजीब सी पहन रखी थी। तो आके अचानक बोलने लगे कि इस घर में कौन रहता है, सामने वाले घर में। तो मैंने बोला किराएदार रहते हैं। बगल वाले घर में कौन रहता है, फिर मैंने यही बोला कि किराएदार रहते हैं। उसके बगल में कौन रहता है, तो मैं पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था और इन लोगों ने कुछ बताया भी नहीं था कि हम नगर निगम से हैं या कोई आइडेंटिटी भी नहीं डाल रखी थी। तो मैंने इनसे बोल दिया, भैया मुझे नहीं पता, सारी जानकारी मैं तो नहीं दे सकती हूँ आपको, मैं ऐसा बोल के और जाने लगी। तो इन्होंने बोला आप कहाँ रहते हो, मैंने बोला मेरा घर ये है। तो आप लोगों ने नगर निगम का टैक्स भर दिया है क्या, मैंने बोला मुझे नहीं पता भैया, मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है। तो मैंने बोला आप उनका नंबर ले लीजिए। तो बोलते हैं कि नहीं, हम जिससे बात करते हैं हम उसी का नंबर लेते हैं, ऐसा बोल के ये लोग वहीं पे खड़े रहे और मैं अंदर चली गई। फिर ये लोग मैं अंदर जाके पढ़ने लगी सोफे पे बैठ के अंदर, तो ये लोग अंदर घुस के आ गए मेरे घर में और इन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा था, आइडेंटिटी भी नहीं पहन रखी थी। तो फिर मैंने इनसे डबल से ये बात बोली, भैया आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर में बिना पूछे घुसे चले आ रहे हो, मैं आपको जानती नहीं हूँ। उस बात का इन लोगों को बहुत बुरा लग गया। तो उन्होंने बोला कि हम नगर निगम से, आप जानते हो मुझे, जानते हो आप, तो जो जिसने चश्मा लगा रखा था वो चश्मा यूं करके और बहुत बदतमीजी से अश्लील हरकतें टाइप से करके और मुझसे नंबर मांगने लग गया। तो मैंने सोचा कि बोलने लग गया, मैंने बोला मैं अपने हस्बैंड का नंबर आपको दे देती हूँ। वो बोले कि नहीं, हम जिससे बात करते हैं ना उसी का नंबर चाहिए रहता है। फिर मैंने सोचा, मतलब वो यूँ बोलने लगे कि अगर आप नंबर नहीं दोगे ना तो हम आपका घर सील करवा देंगे, आपके घर में लॉक लगवा देंगे, हम नगर निगम से हैं। तो फिर मैंने अपना नंबर भी दे दिया उनको। उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, ये लड़की बहुत बदतमीज है, इसमें बहुत एटीट्यूड है, इसका भी घर लॉक करवाता हूँ। तो फिर मुझे गुस्सा आ गई कि भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने बाहर निकल के उनको बोला, मैंने कहा भैया आप इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो, आपको जब मैंने अपना नंबर दे दिया उसके बावजूद भी आप ऐसे बोल रहे हो, इतना मेरे हस्बैंड आ गए सामने से। तो मैंने उनसे बोला कि ये मुझसे घर में, एक तो ये घर में घुस गए, आइडेंटिटी भी शो नहीं कर रहे हैं और मुझसे मेरा नंबर भी लेके चले गए और मतलब बदतमीजी की ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करते करते गालियाँ देते देते ये लोग बात कर रहे थे मेरे घर में खड़े होकर। तो मेरे हस्बैंड को जब मैंने ये बात बोली तो उन्होंने बोला कि भैया तुम्हें क्या परेशानी, किस तरीके से बात कर रहे हो, घर में क्यों घुसे थे जब वो अकेली थी। तो इन्होंने बोला कि हम नगर निगम से हैं और इन्होंने गालियाँ दी मेरे हस्बैंड को। हाँ, इन्होंने गालियाँ दी। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने उनको कुछ बोल दिया तो इन लोगों का आपस में विवाद हो गया। हम लोग श्रीयंत्र नगर सेक्टर सी में और गणेश नगर के कुछ पर्टिकुलर कॉलोनीज जो लगी हुई है उनमें तकरीबन हम लोग वर्किंग कर रहे हैं और ये बेल्ट हम लोगों ने 15-20 दिनों से लिया हुआ है। उसके पहले लिम्बोदी सेक्टर में काम चल रहा था। जब 15-20 दिन पहले हम लोग सेक्टर सी में श्रीयंत्र नगर में पहुँचे, पर्टिकुलर व्यक्ति के घर पे 78 श्रीयंत्र नगर में, तब उन्होंने हमारे द्वारा उनसे जानकारी मांगी गई संपत्ति कर संबंधित और कचरा कर संबंधित, कचरा सेवा शुल्क संबंधित, तो उन्होंने जानकारी देने से मना किया। फिर उसके बाद 4-5 दिन पहले जाकर फिर उन्होंने एक बार रिमाइंडर हम लोगों ने प्रोवाइड किया कि आप लोग इस प्रकार की जो टैक्स नहीं भर रहे हैं, संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं, ये गलत है और ये कर चोरी का मामला बनता है, तो इसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज हमें प्रोवाइड कीजिए और अगर आपके खाते नहीं हैं तो वो खाता ओपन कराइए और अगर खाता है तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कीजिए और बचा हुआ जो संपत्ति कर है आपका और जो कचरा प्रबंधन सेवा शुल्क है वो जमा करें। तो इस प्रकार से उन्होंने आज कहा था, बुलवाया था आज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और आज जब उनके घर पे गए तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से फिर वही दो बार के जैसे रवैया उन्होंने फिर आज इख्तियार किया
और बाहर आने के बाद फिर उन्होंने गाली गलौज देना स्टार्ट की। फिर इतनी देर में वो पर्टिकुलर महिला थी घर में और उसके हस्बैंड आए बाहर से और उन्होंने हस्बैंड ने आकर और हमला कर दिया, मारपीट स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर तो पूरी गली इकट्ठा थी, बट जो हाथापाई गली समझाइश दे रही थी चीज़ों को लेकर, जो लोग थे वो समझा रहे थे कि वो शांत कर रहे थे उन लोगों को, हस्बैंड वाइफ को, बट वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं वो पीपल्स। इस प्रकार की पहले भी हो चुकी है प्रॉब्लम उन लोगों के साथ क्रिएट, और आसपास लोगों का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनका रवैया ठीक नहीं है। फिलहाल भंवर को पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।